प्रखंड मुख्यालय के सभागार में गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता यहां राजद के प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी रामबाबू पटेल कर रहे थे, जबकि संचालन सहायक निर्वाची पदाधिकारी शिव शंकर राय कर रहे थे। इस दौरान नव निर्वाचित पंचायत अध्यक्ष एवं डेलीगेट के साथ गायघाट विधायक निरंजन राय भी मौजूद थे। बैठक में सर्वसम्मति से निवर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र सहनी को पुनः प्रखंड अध्यक्ष चुना गया। चुनाव बिल्कुल सर्वसम्मति से हुआ है, सब लोगों की राय से हुआ है, बिल्कुल सर्वसम्मति से हुआ। रविंद्र सहनी, मेरा नाम रामबाबू पटेल हुआ, मैं जिला में जिला महासचिव भी हूँ और मुझे निर्वाचन पदाधिकारी यहाँ का बनाया गया। इस दौरान जिला महासचिव सह विधायक प्रतिनिधि विनय कुमार यादव, पंचायती राज के जिलाध्यक्ष आफताब आलम, जिला महासचिव उमेश गुप्ता, जिला सचिव चंदेश्वर कुशवाहा, युवा राजद अध्यक्ष रामेश्वर कुशवाहा, जिला प्रवक्ता अनिल मल्लिक, अल्पसंख्यक सेल के जिला उपाध्यक्ष गाजी शाहनवाज, संजेश चौधरी, शौकत अली मुन्ना, छात्र नेता बबलू कुमार, प्रशांत पाठक, विकास राय, चंदेश्वर राय, रमेश सहनी, लखन ठाकुर, कनक लता, इंद्रेश यादव, संतोष यादव, अजय राय, सचिंदर महतो, अशोक पंडित, सुधीर राय, राम प्रवेश पासवान आदि भी मौजूद थे। 15 प्रखंड के मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय के सभागार में सभी क्रियाशील सदस्यों की और जो 15 प्रखंड के सभी सम्मानित नेतागण, कार्यकर्तागण, साथियों की बैठक हुई, जिसमें दो नाम आए। एक तो जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्री रविंद्र सहनी जी और दूसरा श्री योगेंद्र सहनी जी। सारे लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। योगेंद्र सहनी जी ने रविंद्र सहनी जी को अपना समर्थन दिया और सर्वसम्मति से निर्विरोध रूप से श्री रविंद्र सहनी जी राष्ट्रीय जनता दल 15 प्रखंड के अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए। जो निर्वाचन पदाधिकारी आए हुए हैं उन्होंने उनको ये घोषणा करने का काम किया, घोषित किया। जिस तरह हम लोगों के प्रखंड अध्यक्ष थे आदरणीय राम ब्रिक सहनी, उनका देहांत हो गया, इस बीच में इनको मनोनीत किया गया अध्यक्ष के रूप में, 15 प्रखंड के अध्यक्ष के रूप में मनोनयन इनका हुआ और उसके बाद सारे जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया। जो सदस्यता अभियान चलाना था या फिर जो क्रियाशील सदस्य बनाना था, पूरे प्रखंड में इन्होंने अच्छा काम किया। इससे पहले 12 पंचायतों में निर्वाचित पंचायत अध्यक्षों के नामों की घोषणा भी की गई, जिसमें बरगांव से रमेश कुमार महतो, बीरापुर से सुधीर राम, नुनफारा से राजगीर सहनी, बंदरा से राम लखन ठाकुर, हत्था से संतोष राय, मुन्नी बैंगरी से राम कुमार राय, पटसारा से राम किशोर भगत, मतलूपुर से राम प्रवेश पासवान, रामपुर दयाल से अनिल कुमार कुशवाहा, सुंदरपुर रतवारा से मोहम्मद वसीर सभा, तेपरी से अशोक पंडित के नाम शामिल हैं। इन्हें प्रमाण पत्र एवं फूल मालाओं से सम्मानित किया गया।